ये तो मर्डर, ये तो ना सुसाइड, सुसाइड ऐसा नहीं होता है ना। सुसाइड होने से अपना रूम में भी कर सकते, किसी जगह में भी कर सकते है ना, मेडिसिन बिका सकता है। अपना को बिक्री मत करो, पैसा बड़ा नहीं होता है, इज्जत बड़ा होता है। तो ये तो एकदम मर्डर है, मर्डर है। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त मैं आईजी पार्क में हूं और आप सभी को बता दूं, आज अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में हजारों की संख्या में लोग निकलकर जो लेट तुम्मी गांकाक है उसके सपोर्ट में, उसके न्याय के लिए, उसके जस्टिस के लिए कैंडल लाइट मार्च जो है कर रहा है। ये अभी जहाँ पर हम मौजूद है ये वही जगह है जो कैंडल मार्च जो है यहाँ पर पहुँच कर यहाँ पर रुकता है। ये आप देख सकते हैं, ये हजारों की तादाद में केवल गालो जनजाति के लोग ही नहीं, अलग अलग अरुणाचल प्रदेश में जितने भी ट्राइब्स हैं ईटानगर में रहते हैं, ये लोग आज सपोर्ट करने के लिए आए। यहाँ पर अलग अलग जो निशी आपातानी आदि तागिन सभी लोग, उसके बाद साथ ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आज यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप सभी को बता दूं, ये 24 तारीख का घटना है जब ये खबर मिलता है कि ले तुम्ही गांका को जो है अचानक उधर डेथ पाया जाता है। हमने लगातार इस खबर को चलाया है और आपको बता दूं, हालांकि इसको जो है मेडिकल, जब इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को भी अभी तक खबर नहीं मिला है, लेकिन मंडे को मिलना था, लेकिन आज ट्यूजडे होता यानी एक दिन गुजर गया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है ये बता नहीं पाया है। मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूँ, अगर आप घुमा के अभी भी दिखाएंगे, लोग यहाँ से जा चुके हैं, कार्यक्रम भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये लोगों का जो समर्थन है कि जो ले तुम्ही गांकाक है उसको जो है जस्टिस मिलना चाहिए, उसको जो है न्याय मिलना चाहिए, इसको लेकर के आज समर्थन यानी जो कैंडल लाइट मार्च है आकाशदीप से निकलकर यहाँ आईजी पार्क पहुंचता है। आपको फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर अलग अलग जो जनजाति अरुणाचल के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के लोग भी, उसके बाद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि लो स्टूडेंट्स यूनियन ने भी इस कैंडल लाइट मार्च को जो है समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं ये यहाँ से ये साबित होता है कि जो ले तुम्ही गांकाक का जो अचानक जो उसका सुसाइड पाया जाना, या अभी तक जो है उनको ये खबर तो नहीं मिल पाया है कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। और आपको ये भी बता दूं कि इसको जब इसका जब हुआ था, जब इसको पता चला था, उस समय एपीपीएससी ऑफिस में जो है या रिलेटिव्स उसके बाद इसको चाहने वाले लोग जो है यहाँ पर घेरा, एपीपीएससी को ऑफिस को घेराव करते हुए उसमें जो है दफनाने का बात कहा था, लेकिन आखिर में सरकार के साथ बात होने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इसका जो है डेड बॉडी को अपने जो है मूल जगह ले जाता है और उसमें जो है अपना जो है जो रिचुअल करना है उसको किया जाता है। लेकिन अभी तक का सबसे सोचने वाली बात यह है कि अभी तक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है ये नहीं पहुंचा है, लेकिन आज जो कैंडल लाइट मार्च में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आप जैसे कि हमारी स्क्रीन में भी आपको हम कोशिश करेंगे कि दिखाने के लिए, हजारों की संख्या में लोग आए और इस जो कैंडल लाइट मार्च को जो है समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें चिल्लाते हुए आपको सुनाई दिया होगा कि जस्टिस पोर्ट ले तुम्ही गांकाक, बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे थे। अभी यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे कि उनका जो है यहाँ पर समर्थन देने का मकसद क्या है। सर, ये घटना को आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये तो ये घटना तो मेरा हिसाब से, मैं तो लेमेन हूँ, मैं पुलिस भी नहीं अभी ये नहीं, लेकिन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तो प्री प्लान एकदम साइंटिफिकली मैनेज मर्डर है, क्योंकि ये करने के बाद में तो खून होना चाहिए ना, नो सिंगल ब्लड ब्लड स्टेन नहीं, ऐसा करके कैसा इतना ऊपर में ना बम्बू का कैसा उनको ये हो गया। अपना हाथ को कटा किसी ने, अपना कहे पाँव को कटा, ब्लीडिंग होगा कैसा उधर फसिल हो गया, ये तो विफुल पक्का मूर्ख लोग है, लेकिन एक आदमी ने तीन चार पांच आदमी ये करके मरा होगा, ये तो मर्डर, ये तो ना सुसाइड, सुसाइड ऐसा नहीं होता ना। मेरा हिसाब से उनका पोस्टमार्टम करना भी गलत है, देखना चाहिए, लेमेन आदमी भी आप लोग भी बोलेगा ये तो गलत मर्डर है, अरेंज करके मर्डर करके बाद में उधर ये किया, इतना दूर में कैसा गया? सुसाइड होने से अपना रूम में भी कर सकता, किसी जगह में भी कर सकता है ना, मेडिसिन बिका सकता है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको हम जो ना एस आई सी ना उन लोग तकलीफ दिया बोल रहे हैं, सिख मान ऐसा तोड़छाट क्या बोलता है, वो तो गलत है ना। और ये कोने से निकपो नाबोम है ना, उनके लिए पब्लिक डिमांड था नाबोम शुड ऑल्सो रिजाइन, वो भी दिगदार करना चाहिए, और पेमा खांडू भी उनको बताना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, नहीं क्या मतलब अब समझते हैं, पब्लिक जानता है ये तो एकदम बिजनेस मैनेज अरेंजमेंट है, ये होगा। लेकिन ये प्यास को इतना दिन चलता है, ऑल इन्वॉल्व वो उन लोग भी समझना चाहिए, गलत है ना। और जैसे आपका
आपका लीडर लोग सब आता है, एक्टिविस्ट लोग आता है, आज कौन तक किस बात क्या दो साल में आज 8 आवर्स सीएम का साथ में क्यों, व्हाट इज इंटरेस्ट? ये लोग सब रिजिग्नेशन देना चाहिए, कोई पोस्ट में होने से भी ये तो काम नहीं ना, शर्म होना चाहिए। पब्लिक को क्या देखेगा, सर्जिकल फेस ऑपरेशन करके देखा करके घूमेगा ना कि सो कॉल्ड एक्टिविस्ट गलत, ये तो एकदम मर्डर है, मर्डर है। और ये इसका रिजल्ट तो उसी दिन देना था। हम डॉक्टर लोग को आवाज दे, हमको बोला है डॉक्टर लोग भी और इसके बाद हम था उधर, हम बता दिया ईश्वर देखेगा ना, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। तो सर सर आपका हिसाब से ये किसका साजिश हो सकता है, किसका वो पावर में ना वो होगा क्या, अभी तक तो नहीं जानता है। सर आप आपके आपका ओपिनियन से ये बोल रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है, तो सरकार को आप एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो सरकार को तरफ से पोजीशन ऑफ दैट चीफ मिनिस्टर कुड हैव रिजाइन बाय दैट टाइम, कल परसों से रिजिग्न मॉरन ग्राउंड में रिजिग्नेशन देना था, मेरे साथ में सब मिनिस्टर भी रिजाइन करने से हाउ दे देर लाइक टू फेस सो द फेस ऑफ द पब्लिक। आपकी तरफ सरकार को क्या अपील रहेगा इसके लिए? अपील है जितना इन्वॉल्व है एपीसीएस का पेस को बहुत इस मैटर में इन्वॉल्व है, सब आउट करो इधर निकालो एक्शन, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं उड़ाना चाहिए, उसके साथ में रहेगा तो मैनेज करेगा ना, इल गोतेन पैसा से ये प्राउन इना गमन मत करो, गरीब घर का गरीब आदमी का लड़का ही है बोलता है, हम सुना है गलत सुना है ना, आप लोग भी सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं लिखा है कि चीफ मिनिस्टर का आदमी लोग बिजनेस नहीं करना है, चीफ मिनिस्टर नहीं क्या हम भी नहीं क्या, बाकी क्या तो उन ये एक चीफ मिनिस्टर बताएगा, हम कभी भी नहीं क्या कॉन्टेक्ट नहीं क्या, बिजनेस टेंडर सेंडर में हम लोग पार्टिसिपेट कभी भी नहीं क्या, लेकिन हमको हम पहले से निकल बोलना था, लेकिन हमको मेरा पास में आदमी लोग नहीं आता है, अभी तो हमको 15 ईयर्स हम सफर हो गया विदेश स्कीम में, विदेश में ऐसा करके एवरी मंथ में हम हमेशा जाता था 15 ईयर्स लखीमपुर में कोर्ट में, तो कुछ नथिंग टू बी एग्जिबिट अगेंस्ट मी, कोई प्रूफ नहीं कर सका, हम इन्वॉल्व नहीं, हम मिनिस्टर भी नहीं और हम ऑफिसर भी नहीं था और हम कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं था, हमको ऐसा करके किया था ना, अभी क्लीन हो गया एक्विटेड हो गया, लेकिन आई एम गोइंग टू फाइल ए केस, वो ड्राफ्टिंग कर रहा है गवर्नमेंट को, ये तो डैमेज सूट, डैमेज सूट करने वाला है, अभी करेगा विद इन 8-10 डेज, मतलब आपको बदला लिया होगा पॉलिटिकल उसे ना, हम तो बोल क्यों नहींगा, हम आपको आपको बदला लेकर के ऐसे किया होगा मतलब नहीं, ये अलग तो होगा ना, ये तो कैसा बोल रहा होगा, ये गतन तो अलग है ना, इट इज टोटली डिफरेंट, बट हमको इतना बीडीएस केस में तो ये कर दिया ना, पतम कर दिया ना, आई बीन एकदम डैमेज, माय इमेज एंड एवरीथिंग हैज बीन डैमेज विदाउट FIR एंड ऑल दिस थिंग, ऐसा क्या है? लेकिन मेरा ये विचार है आप लोग को भी सबको अपना को बिक्री मत करो, पैसा बड़ा नहीं होता है, इज्जत बड़ा होता है, ईमान तो बड़ा होता है ना, ऐसा मत करो, मेरा रिक्वेस्ट है ये जो चलाता है ना ये करता है उन लोग इमीडिएटली रिजाइन कर रिजिग्नेशन देना चाहिए, आई लाइक टू रिक्वेस्ट President of India to see that presidential rules should be proclaimed in Arunachal immediately. 6 months ke liye kar lijiye, improve hoga to hoga, nahi hona se to we cannot trust, you know, Chief Minister and his colleagues. ये गलत है। आपका कहना है कि चीफ मिनिस्टर को अभी मॉरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन देना चाहिए? देना है, वो केवल वो देने से बाकी भी जाएगा ना, गलत है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री गेगंग अपंग ने सीधा आरोप ये लगाया है कि जो घटना हुआ है ये प्री प्लान मर्डर है, ऐसे उन्होंने कहा है। लेकिन आप सभी को दिखा दूं यहाँ पर, मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूँ, अगर आप दिखाएंगे आज यहाँ पर कौन कौन से सोसाइटी के लोग पार्टिसिपेट किए, तो उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है, गालू वेलफेयर सोसाइटी एंड कर्दू कर्दी वेलफेयर सोसाइटी, आगे आप देखेंगे तो
तुतिम आउ वेलफेयर सोसाइटी तानी सुपुन दुकुन और यहाँ देख सकते तसु वेलफेयर सोसाइटी मेमो आउ वेलफेयर सोसाइटी ऐसे बहुत सारे सोसाइटी जो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज यहाँ पर कितने लोग कितने सोसाइटी के लोग कितने अरुणाचल प्रदेश के जनजाति के लोग यहाँ पर आकर के समर्थन दिया था। आप इसको देख सकते हैं, ये तो नमूना है और आगे उस तरह भी बहुत सारे बैनर लगी हुई है आप देख सकते हैं। तो इससे ये साफ ये जाहिर होता है कि जो लेट जो तुम्हें जो गंकक है उसको जो है आज जस्टिस के लिए उसका न्याय के लिए यहाँ पर मांग करने के लिए लोग जो है कैंडल लाइट जो मार्च है इसको समर्थन दे रहे थे। लेकिन आज का सबसे बड़ा ये जो समाचार यही है कि जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री यानी गेगोंग अपंग ने सीधा ये कहा है कि ये जो है सुसाइड नहीं है बल्कि ये प्री प्लान मर्डर है, ऐसे उनका कहना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मोरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन दे देना चाहिए, ऐसे गेगोंग अपंग ने सीधा कहा है। आप बने रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।